Okay, yes, I guess you can hear me from Mohammed Haris and Mustafa. Okay, good, done. जा रही आवाज़ ओके स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी हैविंग ए नाइस टाइम एट होम, लेकिन पढ़ाई भी थोड़ी थोड़ी ज़रूरी होती है, और आजकल तो पढ़ने के आदी नहीं रहे हो गया आप लोग, मुझे लगता है. तो बहरहाल होप टू सी यू इन द कॉलेज अगेन, लेकिन टिल द टाइम यू आर हेयर छोटी छोटी मोटी मोटी अच्छी अच्छी बातें पढ़ लेते हैं. अभी यू आर इन सेकेंड ईयर, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ as a senior registrar in the department of surgery. My subspecialization is plastic surgery, and today one of the important topics we would be discussing is burns. Burns इसलिए अच्छा टॉपिक है कि मोस्ट ऑफ द पीपल यू कम अक्रॉस इन योर डेली लाइफ, योर रिलेटिव्स, द पर्सन वर्किंग इन योर किचन, योर नेक्स्ट डोर नेबर, एंड बिसाइड्स दीज ऑल दीज पीपल, वन ऑफ द मेजर चंक्स ऑफ पेशेंट प्रेजेंटिंग टू यू एज अ डॉक्टर इन एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी आर कंप्राइज ऑफ बर्न्स. सो बर्न्स इज क्वाइट अ कॉमन इंजरी. इट इज वन ऑफ दोज इंजरीज विच हैपन्स इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स एंड सेकेंड्स, बट लीव्स अ सीक्वल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड ईयर्स ऑफ एंड ईयर्स ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड कमिंग बैक टू नॉर्मल बिहाइंड इट. So, an injury happening in minutes to seconds, leaving a sequel, and the patient suffering for years. Normally, in disease patient, what you come across is a person who's having a heart problem, who's having kidney failure, liver failure, or certain other problems. The patient and the people, his loved ones or her loved ones, and the people around him, they are sort of mentally prepared that there is something going wrong and it is getting deteriorating. But for a burns patient, a perfectly normal person doing his daily activity, an active member of the society, doing his part and contributing to the community. Just take an example, a normal person walking around, going for work from his home, and there is a blast. There's a bomb blast. नॉर्मल बंदा था, जा रहा था, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, गया 5 सेकंड के अंदर भी वो मेरे ख्याल से ब्लास्ट रेडियस के अंदर आया होगा, तो ही हैज बर्न्स. सब कुछ सिनेरियो चेंज हो गया, पहले जिंदगी बचाने का, फिर उसके बाद व्हाट विल बी हिज लाइफ आफ्टर वर्ड्स, हाउ विल बी यू डू द रिकंस्ट्रक्शन, हाउ विल यू मेक हिम एन इफेक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी अगेन. सो ऑल दिस थिंग, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ एफर्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, एंड lots of commitment on the part of the person suffering and his family to make him an active member of the society again through rehabilitation. And rehabilitation not only means the physical rehabilitation, it is also rehabilitation of the mind. You have to adjust to the new change circumstances you have been thrown into. So, burns. What is burns? सबसे पहले सिर्फ जल जाना burns नहीं होता, आग से जलते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे बर्न्स होते हैं. बर्न्स कैन बी केमिकल बर्न्स, बर्न्स कैन बी कोल्ड बर्न्स लाइक फ्रॉस्ट बाइट, बर्न्स कैन बी रेडिएशन बर्न्स फ्रॉम न्यूक्लियर फॉलआउट्स और रेडिएशंस, सन बर्न्स फ्रॉम एक्सेसिव एक्सपोजर टू द सन, एंड देन ऑफ कोर्स वार्म हॉट लिक्विड्स, स्कैल्ड बर्न्स, देन ड्राई बर्न्स, एंड देन फ्लेम बर्न्स. केमिकल स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दे ऑल्सो प्रोड्यूस बर्न्स. सो सेइंग दैट के आग लग जाना इज नॉट द राइट टर्म टू डिफाइन बर्न साइंटिफिकली एज अ डॉक्टर और एज अ मेडिकल स्टूडेंट. बर्न्स इज द ऑल दोज फैक्टर्स और ऑल दोज एजेंट्स फ्रॉम एक्सोजेनस सोर्स, जो बाहर से आते हैं, एंड दे रिजल्ट इन कॉगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यूज. जो चीज भी टिश्यूज और सेलुलर लेवल पे कॉगुलेटिव नेक्रोसिस करेगी, दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन बर्न्स. तो इसलिए सिर्फ हीट इज ओन नॉट ओनली द पार्ट के वेयर वी से इट्स बर्न्स. ऑलराइट, सो इन दिस लेक्चर वील बी सीइंग के इंट्रोडक्शन बर्न्स है क्या, इसको आप कैसे डायग्नोज करते हो, हाउ हाउ डज इट हैपन, क्या चेंजेस आती हैं बॉडी में, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ बर्न्स, और एट योर लेवल नॉट द कंप्लीट मैनेजमेंट लेकिन एक्यूट मैनेजमेंट, अगर आपको फौरन की नजर आता है तो हाउ टू गो अबाउट योर बिजनेस, हाउ टू गिव हिम द बेसिक लाइफ सपोर्ट टिल द डेफिनेटिव सपोर्ट अराइजेज और अराइव्स. ठीक है,
So this is what we'll be discussing. So coming to the introduction, wait. How do you do that? All right. Burns. हमने बात किया है कि burns is a tissue injury resulting from direct contact with hot liquids. हो सकते हैं hot gases हो सकती हैं और hot surfaces हो सकती हैं. Chemicals हो सकते हैं, strong alkalis and strong bases हो सकते हैं, acids हो सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी बर्न हो सकता है, रेडिएशन बर्न हो सकता है. सो ऑल दीज इनको बर्न, सबको बर्न क्यों है कि दे ऑल कॉज कोगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू. अब सिर्फ टिश्यू याद रखो. एनी एजेंट, एक्सोजेनस एजेंट कॉजिंग कोगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू रिजल्ट्स इन बर्न्स. टिश्यू स्किन भी हो सकता है, सबकुटेनियस टिश्यू भी हो सकता है, मसल भी हो सकता है, बोन भी हो सकती है, नर्व भी हो सकती है. It can be any part of any tissue of the human body. So, burns का ये होता है कि इसकी severity कैसे depend करती है. एक दो तीन चीजें major होती हैं कि what was the intensity of that agent, concentrated acid था या तेज blast थी, strong heat थी या mild sunstroke वाली कम गर्मी थी. इंटेंसिटी कितनी थी, ड्यूरेशन कितनी थी, पेशेंट का एक्सपोजर कितना रहा. और कुछ कुछ होती हैं कि देर आर सर्टन डेंजर एरियाज जिसमें हम देखना होता है, विच विल बी कमिंग टू लेटर. लेकिन कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, बर्न इंजरीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली एंड फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड इंजरीज, एक्सीडेंटल और ट्रामेटिक इंजरीज. दे कैन बी हेमोसिडल एज वेल विच पीपल एनकाउंटर. 10% of people admitted to hospital each year. Aap dekho, 2 million persons are burnt in United States each year and 50,000 of them need hospitalization. So it's a big number, it's a common problem, and as a doctor you'll be coming across it more often than you expect. So ab burn aa gaya, aapne ek dafa dekh liya ki burn, ab jab aapko samajh lag jayegi burn hota kya hai, बर्न कितनी इंटेंसिटी क्या है, बर्न ज्यादा बर्न है, कम बर्न है. लेमन टर्म में तो ये बात करते हैं ना, इसमें हम दो चीजें देखते हैं कि बॉडी सरफेस एरिया कितना है, कि एक्सटेंट ऑफ बर्न कितना है, कि कितना एरिया हुआ है. और दूसरा ये देखते हैं कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द बर्न. ठीक है, सुपरफिशियल है, ऊपर सिर्फ एपिडर्मिस हुआ है, सुपरफिशियल डर्मिस हुआ है, डीप डर्मिस हुआ है, फुल डर्मिस हुआ है, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंचा है, नीचे मसल्स तक पहुंचा है, बोन्स तक इवन पहुंच जाता है. तो दो चीजें, एक के स्प्रेड कितना है विच इज द एक्सटेंट ऑफ बर्न, और दूसरा के डेप्थ ऑफ बर्न विच इज द सेवेरिटी, के कितनी ज्यादा लेयर्स, कितना डेप्थ इन्वॉल्व हुई है. और ये दोनों चीजें ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और इन सारी चीजों पे डिपेंड करती हैं. ठीक है, यूजुअली अब होता है हॉस्पिटल क्राइटेरिया क्या होता है, हॉस्पिटल के कौन से बर्न को हमने एडमिट करना है, कौन से को नहीं करना. यूजुअली एक्सट्रीम ऑफ एजेस, एक्सट्रीम ऑफ एजेस है मतलब लेस देन 10 ईयर्स एंड मोर देन 50 ईयर्स में अगर 10% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व्ड है. वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट कितना परसेंटेज है बर्न्स का. ठीक है, और डेप्थ का भी हम आगे आपको मैं बताऊंगा, ये आपको कैलकुलेट करना आ जाए इन सेकंड ईयर. आई थिंक यू हैव डन अ गुड जॉब. सो कमिंग टू द टॉपिक अगेन, सेकेंड डिग्री सॉरी एक्सटेंट आपको पता चलता है कि 10% अगर हो बूढ़े में, बच्चों में 50 से ऊपर 10 से नीचे, तो आप हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे. Between 10 years and 50 years, अगर 20% of body surface area, तो फिर आप hospital में admit करते हैं. लेकिन कुछ areas ऐसे हैं जहाँ के आप ये 10 और 20% body surface area वाला rule apply नहीं होता. You don't stick to that rule. Where does that apply? Where there are important areas. For example, if inhalational burn है, बाहर आपका चाहे 1% burn भी है body के ऊपर, लेकिन you have inhaled hot gases, आपका suspicion है, तो देन यू हैव टू एडमिट. क्योंकि उससे क्या होगा, हॉट गैसेस और कार्बन मोनोऑक्साइड जाने से और सूट और डर्ट पार्टिकल्स अंदर जाने से क्या होता है, आपका पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, लेरिंजियल एडिमा हो जाता है, एल्वियोलर डैमेज हो जाता है. लेरिंजियल एडिमा होने से क्या होता है कि एकदम आपका रेस्पिरेटरी एयरवे जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या कि इट कैन बी ब्लॉक्ड एनी मोमेंट एंड आपका सांस रुक जाए, तो इट डजंट गिव यू इवन फ्यू मिनट्स, इट्स एन एमरजेंसी. इसलिए जो 10% से कम भी है, बेशक 5% 1% से भी कम है, लेकिन उनमें आपने पहचानना होता है कि इनहेलेशनल इंजरी के लिए सस्पेशन रखना है. कैसे पता चलेगा इनहेलेशनल इंजरी का, द पॉइंट इज टूवर्ड्स इनहेलेशनल इंजरी आर, वन इज द मोड ऑफ इंजरी, द इंजरी विल हैव हैपेंड इन अ क्लोज्ड क्वार्टर, इन अ क्लोज्ड स्पेस,
जहाँ ब्लास्ट या बिग फायर होगी। आउटसाइड हो तो आपको चांसेस कम है कि आपने हॉट गेयर इतनी ज़्यादा हॉट एयर इतनी ज़्यादा इनहेल की हो जितनी आप एक कमरे में बंद हो और वहाँ आग लगी हुई हो। सेकेंड इज सर्टन थिंग्स पॉइंट टूवर्ड्स इट कि अगर उसे पेशेंट को आपके पास आया है तो ही इज़ हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इसका मतलब है कि उसको स्ट्राइडर, अगर स्ट्राइडर हो रहा है, स्ट्राइडर मतलब कि सांस लेते हुए आपकी आवाज़ आ रही है, जो कह रही है लेरेंजियल एडीमा, वोकल कॉर्ड्स का एडीमा, इन चीज़ों का कर रहा है, विच इज़ एन इम्पीडिंग एमरजेंसी के किसी वक्त भी एयरवे क्लोज हो सकती है। ठीक है, तो अगर पेशेंट भारी है, उसकी आवाज़ भारी हुई भी है, वो आवाज़ ज़्यादा खींच के बात कर रही है, हैज़ टू ड्रॉ द ब्रेथ, ही इज़ गैस्पिंग फॉर एयर, ही इज़ हैविंग डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, और उसके नाक के बाल जले हुए हैं, नाक के इर्द गिर्द सूट और कोल लगा हुआ है, उसके मुंह के अंदर भी सूट और डर्ट और ग्रेट है जिससे आपको जले होने का आप कह रहा है, इफ़ ही हैज़ फेशियल हेयर अगर वो जले हुए हैं, आईब्रोज जली हुई है, आई लैसेज जली हुए, इफ़ इज़ अ मैन, इन केस ऑफ अ मैन अगर उसके बियर्ड है या मस्टाशेज हैं, इफ दे आर बर्न्ड, तो ऑल दे इंडिकेट टूवर्ड्स द प्रेजेंस ऑफ एन इनहेलेशनल इंजरी। और ऐसे पेशेंट्स को आप घर नहीं जाने देते हो। यू डोंट वेट फॉर द रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज टू हैपन, यू डिटेक्ट इट अर्ली, और अगर अर्ली करके आप पहले ट्रेकियोस्टमी कर दो तो ट्रेकियल एडीमा होगा तो वो तो एयर बायपास हो जाएगी, उसका सांस तो कम अज़ कम नहीं रुकेगा। सो यू एडमिट दीज पेशेंट्स, इनको पहले आप ऑक्सीजन देते हो 100% के उनकी ऑक्सीजन ड्राइव पूरी हो, और अगर ना हो तो फिर आप ट्रेकियोस्टमी भी आपको करनी पड़ जाती है टू कीप द एयर वे पेटेंट। ओके, वन क्राइटेरिया जहाँ ये फिल नहीं होता, इनहेलेशनल इंजरी हो तो तब आपने दाखिल करना ही करना है। फिर बहुत कुछ डेंजरस एरियाज होते हैं, उसका एज से ताल्लुक नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपके नोज, माउथ, आईज, ईयर्स, हैंड्स, जेनिटेलिया, इन जगहों पे अगर आपके बर्न हो, हैंड पे, क्योंकि आपने सारी उम्र काम करना होता है कि एक आपकी इंडेक्स फिंगर या एक अंगूठा भी ख़राब हो गया तो हाथ का आपका बहुत ज़्यादा काम फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि एक छोटा सा बर्न, एक उंगली किसी एक बंदे की से लिटिल फिंगर पे टिप पे थोड़ा सा बर्न है, एक मैनुअल वर्कर के लिए या एक बंदा है जो कि टीवी के आगे बैठ के उसने बात करनी है, लेक्चर देने, उसके लिए शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो, बट इट वुड बी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ पर्सन हु इज से अ सर्जन, ही हैज़ टू यूज़ ऑल हिज फिंगर्स, ऑल द सेंसेशन, उसके लिए इट्स अ करियर डिसीजन, मेक और ब्रेक। सिमिलरली इफ अ पर्सन इज अ पियानिस्ट, पियानो बजाता है, गिटार बजाता है, तो उसकी एक उंगली पर छोटी सी भी चोट लगी होगी ना, तो दैट हैज़ डायर कॉन्सिक्वेंसेज, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ओके, एंड तो इन एरियाज पे जब होता है तो इनका आपने देखना होता है। स्पेशली दूसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रिकल इंजरी। इलेक्ट्रिकल इंजरी का ये मैकेनिज्म होता है कि ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर, अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है, हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, प्लीज लेट मी नो वेयर द चैट अगर आपको आवाज आ रही है तो, यस और नो वुड डू। ओह आ रही है, ओके राइट, थैंक यू गाइज, आ रही है उनको आवाज,
बच्चे कह रहे हैं कि आ रही है, ऑल राइट तो एक दफा फिर यस कर दो, ओके या ठीक है। तो होता ये है कि अब हमने बात कर रहे थे इनहेलेशनल इंजरी, आई होप यू हर्ड इट ऑल। इनहेलेशनल इंजरी जितनी मर्जी बेशक एक आधा परसेंट हो, दूसरा है कि बर्न, इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बचपन में फिजिक्स और केमिस्ट्री हमने पढ़ी थी, साइंस भी पढ़ी थी। तो जब भी बर्न होता है तो वह क्या होता है कि एक नेगेटिव के और पॉजिटिव के दरमियान में करंट फ्लो करता है। तो बॉडी के से में कहीं से भी करंट एंटर हुआ और उसने निकलना है। तो यूजी देर इज एन एंट्री वूंड एंड एन एग्जिट वूंड। नॉर्मली एंट्री वूंड जो होता है वो छोटा सा पंक्चर होल की तरह का होता है और उसके इर्द गिर्द आपको इतनी ज्यादा बर्न्स नजर नहीं आ रहे होते। एग्जिट वूंड थोड़ा सा बड़ा होता है और उसके इर्द गिर्द आपको थोड़ा सा टिश्यू ज्यादा जला हुआ नजर आता है, लेकिन दिस इज वेरी डिसेप्टिव। दोनों साइड्स पे जो वूंड होता है ना, वो सामने से देखने में आपको नजर आ रहा होता है कि जी छोटा सा वूंड है, लेकिन अंदर जो है ना सारा जला हुआ होता है। अंदर जला हुआ कैसे हो जाता है, हाउ डज इट हैपन? पॉइंट इज के द इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स द बॉडी फ्रॉम द पॉइंट जहां से एंटर हुआ, जहां से वो पिनोल किया या पंचर किया ना, दैट्स कंसिडर्ड द टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो टिप है, उसके नीचे सारी इंजरी हुई हुई होगी। अंदर कैसे अंदर हुई भी होगी, जो जो पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस आते हैं ना, वहां वहां इलेक्ट्रिकल करंट ट्रेवल कर रहा है बॉडी में से निकलने के लिए, पाँव के थ्रू जमीन में जाके अर्थ होके निकल जाएगा। तो जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा है, वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ उसको रेसिस्टेंस मिलेगी टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ ही डिसिपेट करेगा और वहाँ बर्न होंगे। कहाँ कहाँ उसे रेजिस्टेंस मिलेगी, जो टफ स्ट्रक्चर्स आते हैं बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल स्किन आई, स्किन के बाद फेशिया आया, या आपके फेशियल कंपार्टमेंट होते हैं, फेशिया इज अ टफ स्ट्रक्चर। उसके बाद पेरियोस्टियम या बोन आई, ब्लड वेसल आई, कोई नर्व आई जहाँ रेजिस्टेंस। तो जो जो पॉइंट आएंगे उनको वो जलाता हुआ जाएगा और इसलिए जो एक्सटेंट ऑफ बर्न्स विल बी मोर सिवियर देन व्हाट यू सी अपेरेंटली, ज्यादा एक्सटेंसिव बर्न होंगे। लेकिन द इमीडिएट किलर इन इलेक्ट्रिसिटी बर्न इज योर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन ऑफ द हार्ट। एरिथमिया चल जाते हैं, हार्ट हार्ट जो आपका बीट करता है लुप डुप लुप डुप, वो नहीं होता, इरेगुलर इरेटिक कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, कंडक्शन सिस्टम डैमेज। जैसे क्या होगा, प्री लोड बढ़ेगा, आफ्टर लोड बढ़ेगा, आपका हार्ट से ही पंपिंग इफेक्टिव पंपिंग कर नहीं रहा होगा, ऑक्सीजन डिमांड गई एंड अगेन इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो हमेशा इलेक्ट्रिक बर्न वाले पेशेंट को ज़रूर एडमिट करो, एटलीस्ट उसकी ECG ज़रूर करो, एंट्री एग्जिट वूंड को अच्छी तरह ढूंढ के आइडेंटिफाई करो एंड मैनेज द पेशेंट अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद केमिकल इंजरीज में भी आपको इसी तरह ध्यान रखना होता है, इस तरह हैंड फीट जेनिटेलिया जो आपको बताया ना कि सिग्नल के बेशक थोड़ा एरिया सरफेस एरिया का बर्न भी हो तो वो इम्पोर्टेंट है। इस ना केमिकल जो होते हैं ना, कि बाकी बर्न है ना, फायर है और उस पर तो आप पानी फेंक दो, वॉश विद कोपियस वाटर और ये वो, केमिकल बर्न में आपने पानी नहीं फेंकना होता, आप ज़्यादा एरिया जला देते हो। जब तक आपको पता ना हो केमिकल कौन सा, उस पर पानी नहीं फेंकते, ठीक है। और इनहेलेशनल इंजरी की हमने बात कर दी, और जो लोग बेशक वो 10 साल से बड़े हैं और 50 साल से छोटे हैं, यंगस्टर्स में आते हैं, फिट लोगों में आते हैं, लेकिन उनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, फॉर एग्जांपल किसी को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, किसी को रीनल फेलियर है, किसी को हेपेटिक फेलियर है, किसी को ल्यूकीमिया की वजह से है, कोई ब्रेस्ट कैंसर की वजह से कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, और ऐसे पेशेंट को अगर 10% मतलब थोड़ा बर्न भी हो तो इनको आप एडमिट करते हो, बिकॉज दीज आर हाई रिस्क क्राइटेरिया पेशेंट्स, और इनको यू डोंट लेट देम गो होम। और इसके अलावा आप किसको, हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड आप और किसको घर नहीं जाने दे सकते, जिसको बेशक बर्न्स कंपैरेटिवली कम है, लेकिन यू आर नॉट कंफर्टेबल सेंडिंग द पेशेंट होम। एंड व्हाई आर यू नॉट कंफर्टेबल सेंडिंग द पेशेंट होम, द रीज़न बीइंग के देयर इज़ नोबडी टू टेक केयर ऑफ हिम और हर। घर ज़्यादा दूर है हॉस्पिटल से, एम्बुलेंस जल्दी नहीं पहुँच सकती, या बंदा बहुत बूढ़ा है, या वो इतना मेंटली चैलेंज्ड है कि वो खुद से आपको हेल्थ अथॉरिटीज़ को इन टाइम इन्फॉर्म नहीं कर सकता, कोई केयर टेकर उसके पास नहीं है, तो फिर आप ऐसे लोगों को नहीं जाने देते, आप उनको ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट कर लेते हो, ठीक है। तो बर्न में ऐसे लोगों को आप एडमिट करते हैं, ये छोटी छोटी आपको मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं, ओके। नाउ वेट टिल आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू डायग्नोज, वो हम यही बात कर रहे थे, डायग्नोज हम ऐसे करेंगे, वेट प्लीज, या
हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे कि हमने किसको एडमिट करना है, किसको नहीं करना, एक्सटेंट ऑफ बर्न क्या है, कितना ज्यादा बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, कौन से डेंजरस एरिया इन्वॉल्व है जो हमने बात करी। दूसरा है डेप्थ ऑफ बर्न, सुपरफिशियल बर्न है, बिल्कुल ही सुपरफिशियल बर्न है, दरमियाना सा बर्न है या डीप बर्न है। यूजुअली जो होता है, जो बर्न्स होते हैं वो इट्स नॉट ऑलवेज स्ट्रिक्टली एज अ मैथमेटिकल रूल कि इट इज सेकंड डिग्री बर्न, नो इट इज थर्ड डिग्री बर्न, इट इज फर्स्ट डिग्री बर्न, देयर इज ऑलवेज अ सिग्निफिकेंट ओवरलैप। अब आप देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हाथ जला है, उंगली जली है, तो उसका एक एरिया होगा जहाँ आपका बर्न ज्यादा होगा, उसके साइड में कुछ एरिया होगा जहाँ बर्न कम होगा, उसके साइड पे एरिया होगा जहाँ बर्न उससे और ज्यादा कम होगा, जहाँ हीट बहुत कम पहुंची है वहां सिर्फ रेडनेस होगी, और उससे आगे आप चले जाओ तो स्वेलिंग भी नहीं होगी, रेडनेस नहीं भी होगी, नॉर्मल स्किन आ जाएगी। सो देयर इज ऑलवेज अ कंसिडरेबल ओवरलैप बिटवीन द डेप्थ ऑफ द बर्न, कि इट्स अ सुपरफिशियल बर्न और डीप बर्न। एंड देन लोकेशन हमने बात कर ली कि अगर वो डेंजरस एरियाज कौन से हैं, और कॉज कॉज में हम इलेक्ट्रिक बर्न की जितना बात कर रहे थे, इवन इफ यू आर स्ट्रक बाय लाइटनिंग यू हैव टू गेट एडमिटेड, ओके, और एंड लाइटनिंग डस स्ट्राइक ट्वाइस, पुरानी जमाने थे कि लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस, ओके। तो अब लोकेशन हमने पता चल जाएगी, कॉज हमें पता चल जाएगा, एक्सटेंट ऑफ बर्न हमें, आपको मैंने बताया कि एक फार्मूला है मैं आपको बताऊंगा, उसे पता चलेगा कितना सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, और डेप्थ का देखने के लिए भी हमारे पास सर्टेन क्राइटेरिया है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द बर्न, which I'll be telling you in the later slides. ठीक है, अब coming to the extent of the burn, the first point कि कितना burn है, हम कह रहे थे ना कि बड़ों बच्चों में 10% भी body surface area burnt हो तो हम उनको admit कर लेंगे, और 10 से 50 के दरमियान में 20% of body surface area burnt हो तो तब हम admit करेंगे। तो ये हमें पता कैसे चला कि कितना surface area burnt है? एक बंदा आया उसके ऊपर, आप imagine, a woman working in the kitchen spills hot water over herself. देच की उठाई, वो शिफ्ट करते हुए गिर गई ऊपर, तो अब सामने भी आपके टॉर्सो पे भी, चेस्ट पे भी, बेली पे भी आपके गिरा है, और पाँव पे भी गिरा है, कहीं ज़्यादा जला है कहीं कम जला है। तो अब आप देखो कि कैसे कि कितना परसेंटेज एरिया इन्वॉल्व है। उसके लिए सबसे वाइडली एक्सेप्टेड रूल टू कंसिडर द बॉडी सर्फेस एरिया बर्नड इज द वॉलिस रूल ऑफ 9, वॉलेस, विलियम वॉलेस, विलियम टेल वाला, WALLACE वॉलेस। तो वॉलेस रूल ऑफ 9, वॉलेस रूल ऑफ 9 है क्या, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ, इससे सबसे ज्यादा आसान है वो पिक्चर से समझना। ये बच्चों के लिए यूज नहीं होता, ये एडल्ट्स के लिए यूज होता है। बच्चों के लिए एक और चार्ट होता है, बड़ों में ये होता है कि आपका जो है ना 9 का फिगर परसेंटेज आप रख लो। इस फिगर में देखो, फ्रंट ऑफ योर हेड, head and neck is 9, back of your, sorry, 4.5, and back of your head and neck is 4.5, yani aapka samne aur piche sar aur gardan jo hai na 9% hai. Isi tarah aapka right upper limb samne piche mila ke 9 hai, left upper limb samne piche mila ke 9 hai, aapka chest samne se 9 hai, chest piche se 9 hai, abdomen samne se 9 hai, abdomen back se 9 hai, leg upper limb jo tha na wo पूरा मिला के 9 था ना, लेग में ये है कि लोअर लेग में के सामने से 9, बैक से 9 इंक्लूडिंग ग्लूटियल एरिया, इसी तरह दूसरी तरफ सामने से 9, बैक से 9, और पेरिनियल या जेनिटल एरिया जो है दैट इज डेजिग्नेटेड एज 1%। तो सारे 9 चल रहे हैं, हेड एंड नेक इज 9, अपर लिम, ईच अपर लिम इज 9, फ्रंट ऑफ चेस्ट इज 9, बैक ऑफ चेस्ट इज 9, फ्रंट ऑफ एब्डोमेन इज 9, बैक ऑफ एब्डोमेन इज 9, फ्रंट ऑफ द लोअर लिम इज 9, बैक ऑफ द लोअर लिम इज 9, ईच ऑफ देम, ओके, ये है वॉलेस रूल ऑफ 9, और ये ह्यूमन एडल्ट्स में होता है, और ये सबसे ज्यादा वाइडली इंटरनेशनली यूज एंड एक्सेप्टेड चार्ट है टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बर्न, सरफेस एरिया कितना इन्वॉल्व हुआ है। सो ये लर्न कर लो, सारी उम्र काम आएगा, वॉलेस रूल ऑफ 9। दो चीजें याद कर लो, वॉलेस रूल ऑफ 9 बर्न्स में, दूसरा के बर्न्स की डेप्थ कितनी है वो देखने के लिए, सुपरफिशियल है, डीप है, और सॉरी तीसरा एक होता है फॉर्मूला कि अभी जले का तो आपको पता चल गया इतना गहरा बर्न है, इतना सरफेस एरिया बर्न है, देना क्या है, देने में एक है उसको सबसे ज्यादा, क्योंकि जलने से ना उसका जिसम में से फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो फ्लूइड कितना देना है वो हम एट द एंड जाएंगे। वो ना भी आपको आए, आपको परसेंटेज और डेप्थ ऑफ बर्न जरूर आना चाहिए, क्योंकि अभी आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो ना, स्किन पढ़ रहे हो, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी,
ठीक है, और स्किन की इंजरीज बहुत ज्यादा कॉमन है, इसलिए आपको आई डोंट नो समबडी जॉइन इन और व्हाट हैपेंड, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, इधर कुछ आना शुरू हो गया। हेलो हेलो हेलो, आ रही आवाज, थैंक यू। ओके, तो ये वॉलेस रूल ऑफ नाइन हो गया। एक और भी है, एक वेट, हाँ, देयर इज अनदर क्राइटेरिया, लेकिन वो इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, दैट इज रूल ऑफ पाम। आप अपनी क्लोज फिस्ट बनाओ मुक्का, या आपका जो पाम का साइज है, उंगलियां छोड़ के हथेली का जो साइज है, दैट इज रफली इन एन एडल्ट 1% ऑफ योर बॉडी एरिया। ठीक है, हथेली इज 1% ऑफ योर बॉडी सरफेस एरिया। तो ये रूल ऑफ फिस्ट या रूल ऑफ पाम भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वॉलेस रूल ऑफ नाइन इज द वन विच यू हैव टू एम फॉर, दैट इज फॉर द बॉडी एक्सटेंट ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन द बर्न। नाउ कमिंग टू द डेप्थ ऑफ द बर्न, जब हम दूसरी बात कर रहे थे, स्किन है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, मैंने भी बात की, सबसे ऊपर एपिडर्मिस होता है, उसके बाद डर्मिस होता है, उसके बाद सबकुटेनियस टिश्यू होता है, उसके बाद नीचे मसल्स आ जाते हैं, वेसल्स आ जाती हैं, बोन्स आ जाती हैं, सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद डर्मिस जो है ना, डर्मिस इज द लाइफ पार्ट ऑफ द स्किन। डर्मिस की जो नीचे वाली होती है रेटिकुलर लेयर होती है, ऊपर वाली पेपिलरी लेयर होती है डर्मिस में, ऐसे ही है। और इसके अंदर आपस में क्या होता है, स्किन के अंदर ना स्किन के अपेंडिजेस भी होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टीरियोल्स होते हैं, ये सारे टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी होता है ना, कि गर्मियों में बंदा लाल हुआ होता है कि कंडक्शन बाहर की तरफ हो रही है, सर्दियों में स्किन पीली हुई भी होती है क्योंकि बॉडी हीट कंजर्व कर रही होती है थ्रू स्किन। तो अगर सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं जो कि सिर्फ डर्मिस तक हों, ठीक है, डीप बर्न्स होते हैं जो डर्मिस से नीचे चले जाएं, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक चले जाएं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री में इनको किया जाता है, सिर्फ एपिडर्मिस हो इन्वॉल्व, डर्मिस भी पूरा नहीं है, सिर्फ डर्मिस तक सेक पहुंचा है, एपिडर्मिस, डर्मिस की सिर्फ सुपरफिशियल लेयर पहुंची है, तो वो होगा सुपरफिशियल फर्स्ट डिग्री बर्न, सॉरी सुपरफिशियल बर्न होगा। सेकेंड डिग्री बर्न जो होता है ना, उसमें डर्मिस इन्वॉल्व होगी। सेकेंड डिग्री बर्न को दो में आगे फर्दर हम डिवाइड करते हैं, सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री बर्न या डीप सेकेंड डिग्री बर्न। उसमें यह कि अपर पेपिलरी डर्मिस तक आप हैं या लोअर रेटिकुलर डर्मिस तक बर्न आया है। और थर्ड डिग्री बर्न यह कि पूरी डर्मिस की लेयर्स को बर्न करके वो हाइपोडर्मिस यानी सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच जाए, तो थर्ड डिग्री बर्न हो जाता है। सम पीपल एडवोकेट अगर बोन्स और वो नीचे टफ स्ट्रक्चर्स बोन्स तक आपकी चार हो जाए, कोयला बन जाए, तो दे समटाइम्स दे कॉल इट एज फोर्थ डिग्री बर्न। ठीक है, लुक एट द नेक्स्ट, ये दिस स्लाइड, काली ये तो तीन पट्टियां नजर आ रही है ना, वन फर्स्ट डिग्री ओनली कन्फाइंड टू द एपिडर्मिस एंड ओनली द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द डर्मिस। सेकेंड डिग्री बर्न ये है कि सेकेंड डिग्री बर्न का आगे आ जाता है सुपरफिशियल एंड डीप। सेकेंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न जो है बाहर वाले पेपिलरी डर्मिस तक है, सेकंड डिग्री डीप जो है वो है डर्मिस के रेटिकुलर लेयर तक, और फिर थर्ड डिग्री है जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी चला गया, दैट इज थर्ड डिग्री बर्न। ये तो पता चल गया, अब देख के कैसे पता चलेगा डर्मिस, ये तो नहीं नजर आ रहा होता ना कि एपिडर्मिस कहाँ खत्म हो रहा है, डर्मिस कहाँ शुरू हो रहा है, व्हेन यू लुक एट अ बर्न पेशेंट, आपको तो पेशेंट चीखे मारता नजर आ रहा होता है। हाँ, चीखों से ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट थिंग, इट्स अ पैराडॉक्स, यूजुअली द सुपरफिशियल बर्न्स दे पेन लाइक हेल, उनकी बहुत ज्यादा दर्द होती है, क्यों, क्योंकि नर्व एंडिंग्स इंटैक्ट होती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं डर्मिस में, और जस्ट बिलो द डर्मिस और डर्मिस तक जितना स्किन के करीब होगे उधर ज्यादा नर्व एंडिंग्स होंगी, इसलिए सुपरफिशियल बर्न ज्यादा पेनफुल होते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न ज्यादा पेनफुल होता है, थर्ड डिग्री बर्न अगर नीचे अगर सिर्फ उसमें चले जाता है, थर्ड डिग्री बर्न ऑलमोस्ट पेनलेस होता है, उसकी साइडों पे जहाँ फर्स्ट डिग्री बर्न आ जाते हैं, जहाँ पूरा डेप्थ नहीं है, या पेरियोस्टियम आ जाए या नर्व टिश्यू आ जाए जो कि डायरेक्टली पेनफुल चीजें, उसके अलावा थर्ड डिग्री बर्न ज्यादातर पेनफुल नहीं होते। ठीक है, सो यू लुक एट दिस पिक्चर, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न।
फर्स्ट डिग्री बर्न में आपको नजर आ रहा है रेडनेस है, स्वेलिंग है और एरिथीमा हो, स्वेलिंग होगी, पेन होगी, रेडनेस होगी और लॉस ऑफ फंक्शन होगा थोड़ी देर के लिए जब तक दर्द रहेगी और स्वेलिंग रहेगी, और कुछ दिनों बाद जब ये स्वेलिंग वगैरह सबसाइड हो जाएगी तो जख्म सारा द वाउंड विल हील स्प्लेंडेडली एंड इट विल यूजुअली हील विदाउट एनी रेजिडुअल स्कारिंग, निशान नहीं पड़ेगा अगर आप सही ख्याल रखोगे तो। सेकेंड डिग्री बर्न में यह है कि पार्ट ऑफ डर्मिस इज इन्वॉल्व, मिनिमल स्कारिंग होगी लेकिन इट विल ऑलवेज लीव सम स्कार। थर्ड डिग्री बर्न में क्योंकि पूरे का पूरा डर्मल लेयर आपकी चली गई भी है, नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू भी चला गया, हो सकता है कि बोन और मसल्स भी चले गए, तो थर्ड डिग्री बर्न विल ऑलवेज हील विद स्कारिंग लाइक सेकेंड डिग्री बर्न, बट यूजली थर्ड डिग्री बर्न इन एडिशन नीड सम रिकंस्ट्रक्टिव मेजर्स एंड सम अदर देन सिंपलर मेजर्स फॉर द वाउंड टू हील। ठीक है, इतने आराम से फिर ये ठीक नहीं होते या बंद नहीं होते, काफी कुछ करना पड़ता है इनके साथ। ठीक हो गया, ये टेबल देख लेना, ये वही बातें जो मैंने आपको बताया कि पेपिलरी और रेटिकुलर डर्मिस में कहाँ तक क्या होना है क्या नहीं होना। इसलिए अब आगे ये मैं आपको ना थोड़ा सा डिटेल में और दिखाता हूँ। ये है ना फर्स्ट डिग्री बात हमने की थी, फर्स्ट डिग्री बर्न है, बिल्कुल सुपरफिशियल डर्मिस तक है या एपिडर्मिस तक इन्वॉल्व है ज्यादातर, तो इसमें यूजुअली क्या होता है ज्यादातर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है, सुपरफिशियल छाला सा, हल्का सा गर्म पानी आपके ऊपर गिर रहा है तो उधर छाला सा बन जाता है, साइडों पर रेड हो जाता है, एरिथेमा हो जाता है, और बाद में उस वक्त तो लगता है कि पता नहीं कितना बंदा निशान गंदा निशान बनेगा, छाले के नीचे क्या हो रहा होगा क्या नहीं होगा, अक्सर वो बड़ा अच्छा हील हो जाता है और बाद में आपको कुछ अर्से आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको नजर भी नहीं आता निशान। सो द फर्स्ट डिग्री बर्न इज गोना कॉज यू पेन लाइक हेल, it will result in blister formation, local erythema and it will be painful but it's going to heal well and it usually doesn't leave residual scarring if managed properly. ab aaja second degree burns mein, second degree burns ki maine baat ki thi, superficial aur deep do part hai, irrespective of that isme dermis involved hai na, isse dermis involved hua hai na to there will be some degree of scarring hogi hogi. ab is picture mein dekho, first degree mein usme chota sa ek hi tha ब्लिस्टर था, इसमें तो काफी बड़ा सा ब्लिस्टर है और इसके नीचे जब आप हटाओगे ना इसको तो इसके नीचे आपको क्या नजर आएगा, ये इस टाइप की पिक्चर नजर आएगी जो कि स्किन है ना, ये भी अंगूठे के पास आपको रेड नजर आ रही है जहां से आपने ब्लिस्टर छीला हुआ है। इसमें और आम एरिथीमा में जो फर्स्ट डिग्री की रेडनेस थी जो साइड पे, क्या फर्क होगा, वो वाली रेडनेस को आप दबाओ तो व्हाइट हो जाती है, फिर आप हटाओ तो दोबारा रेड हो जाती है, यानी ब्लड उधर से चला जाता है, ब्लांचिंग हो जाती है जिसको कहते हैं, ब्लांचिंग एरिथेमा होता है कि आप दबाओ तो लाल जगह व्हाइट होगी, आपने फिर हटाया तो दोबारा उधर खून आया लाल होगी। फर्स्ट डिग्री बर्न में ब्लड सप्लाई और कैपिलरीज और आपका सारा कुछ इंटैक्ट है, इसलिए वो ब्लांचिंग एरिथेमा होता है। सेकंड डिग्री में इसमें नॉन ब्लांचिंग एरिथेमा होगा, यहाँ फिक्स हो गई अपनी जगह, इसको आप दबाओगे चटा नहीं होगा, ये उसी तरह रहेगा, एंड दिस विल बी पेनफुल, दिस विल ऑलवेज हील विद स्कारिंग एंड you have to usually आपको कोई और रिकंस्ट्रक्टिव मेजर्स भी अप्लाई करने पड़ सकते हैं इसमें। ओके, देन कम्स द थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में क्या है कि आपका डर्मिस भी पूरा गया, एपिडर्मिस ऑफ कोर्स जाएगा ही जाएगा नीचे, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स, बोन्स, उधर तक आप पहुंच गए हो, इसमें क्या होगा, इसमें ये आपको नजर आ रहा होगा, स्किन जली हुई है, स्किन के नीचे स्किन शाइनी हुई हुई है, लस्टर आया हुआ है, लाइफलेस हुई हुई है, कोई एक्सपेंश उसकी वो इलास्टिसिटी ख़त्म हुई हुई है, नीचे ब्लड वेसल्स आपको जाती हुई कोगुलेटेड ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं जिसके अंदर खून जल के जमा हुआ है, साइड पे एक्सट्रावाइजेशन ऑफ ब्लड भी हुई है जिसकी वजह से फिक्स्ड स्टेनिंग मॉटलिंग हुई हुई है टिश्यू की, और इन सीवियर ऑफ केसेस ये देखो, ये मैं आपको बाद में कहूँ, इन इन सीवियर ऑफ केसेस ये भी हुआ हुआ होता है, हड्डियाँ भी जली नज़र आ रही हैं, टेंडन्स भी जले हुए नज़र आ रहे हैं, मसल्स भी जले हुए नज़र आ रहे हैं, जॉइंट खुले हुए पड़े हुए हैं, दिस इज थर्ड डिग्री एंड सम पीपल कॉल इट एज फोर्थ। अब ये पिक्चर देखो, व्हाट इज दिस, जो मैं आपको कहते ना यूजली व्हेन द इन क्लिनिकल सिनेरियो इन प्रैक्टिकल लाइफ यूजली बर्न्स आर नॉट स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू फर्स्ट डिग्री, नॉट स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू सेकेंड और थर्ड, इस पिक्चर में देखो सेंटर में ग्रे जलावा शाइनी इलास्टिसिटी नहीं है, इन इलास्टिक टिश्यू है, थर्ड डिग्री बर्न जो डर्मिस के नीचे तक जलावा है, उसके साइड पे आ जाओ तो थोड़ा कम रेडिश पिंकिश एरिया है जो कि डार्क रेड सा हो जाता है जाके, ये सेकंड है,
डिग्री बर्न। उसके आगे साइड पे और चले जाओ तो हल्की सी स्किन आपको नजर आ रही है, कहीं छिली हुई है कहीं नहीं छिली हुई है, उसके इर्द गिर्द रेडनेस, और उसके और आगे चले जाओ तो नॉर्मल स्किन आ जाती है। तो दिस इज फर्स्ट डिग्री। तो सेंट्रल जोन, इंटरमीडिएट जोन, तो यानी एक सेंटर में वाइट टिश्यू हुआ है जो कि जल गया है, उसको हटाना पड़ेगा। और साइडों पे बिल्कुल एक्सट्रीम साइडों पे चले जाओ तो वो टिश्यू है जो बचा हुआ है, दरमियान में कुछ है जो बचा हुआ है और कुछ बचा हुआ नहीं है, ये ग्रे जोन है। ये वो ग्रे जोन है जिसको अगर आप प्रॉपरली रिहाइड्रेट करो और मैनेज करो तो बचाया जा सकता है, मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी एंड ट्रॉमा को रिड्यूस किया जा सकता है। सर्जरी इज ऑल्सो कंट्रोल ट्रॉमा, चोट तो नाइफ से आप कट तो दे ही रहे हो ना, इट्स अ ट्रॉमा। तो ये वो एरिया ग्रे जोन है, सेंट्रल वाले जोन खत्म है, बाहर वाली जोन बची हुई है, दरमियान की जोन है ग्रे जोन, जो बच भी सकती है नहीं भी बच सकती है। अब उसको काटोगे नहीं काटोगे, हाउ टू डिसाइड। इसीलिए आप जब भी बर्न का होता है ना तो आप पहले दिन ही नहीं काट के फेंक देते सब कुछ, एक आधा दिन आप ट्राई करते हो जब तक डिमार्केशन ना हो जाए, प्रॉपरली चीज का पता ना चल जाए, आप रिहाइड्रेट करके सारा कुछ चीजों का ख्याल रख के आप कोशिश करते हो कि जो ग्रे जोन है इसको सॉल्वेज किया जा सके, बचाया जा सके, ताकि मॉर्बिडिटी कम हो। ठीक है, क्योंकि इसका मकसद तो यही है ना, सबसे पहले ये होता है कि पेशेंट की लाइफ बचाना, लाइफ बचाने के बाद होता है फंक्शन बचाना कि वो काम कर सके उस हाथ से या उस टांग से, एंड द थर्ड थिंग इज देन एस्थेटिक्स कि आप उसको कितना नॉर्मल लुकिंग बना सकते हो। तो इन चीजों तीनों चीजों का आपने ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो आई गेस अभी आपके लिए यही है कि तो बर्न के साथ चेंजेस क्या आ रही होती हैं बॉडी में, बॉडी में चेंजेस ये आ रही होती हैं कि एक्यूट चेंज होती है फिजियोलॉजी थोड़ी सी इसकी, एक्यूट चेंज ये होती है कि जब हीट हुई, कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ, टिश्यू डैमेज हुआ, साइटोकाइंस इंटरल्यूकिंस ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और ये सारी चीजें निकली कि ब्लड कैपिलरी में से और वेसल्स में से, जिसकी वजह से इनकी परमेबिलिटी कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हुई। कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, ब्लड वेसल के अंदर जो सारे फैक्टर्स ये ट्रेवल कर रहे थे ये ब्लड वेसल से निकल के बाहर आ गए इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस इन द थर्ड स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आएंगे तो वहाँ के ट्रैप हो गए तो उससे क्या होगा, सोजिश होगी, वो अपने साथ पानी भी और खींच के लाएंगे, कैपिलरी ज्यादा लीकी हुई हुई है, और इंटरल्यूकिंस आएंगे और ये चीजें आएंगी जिसकी वजह से आपका अल्टीमेटली इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट कम होता जाएगा, उसकी वजह से आपका क्या है, आपका हीमोडायनेमिकली आप अनस्टेबल होते जाओगे, थर्ड स्पेस में चला गया, फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में कम रह गया जिसकी वजह से सर्कुलेशन कम हुई, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, सर्कुलेटरी शॉक हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, और ब्रेन को पूरी सप्लाई नहीं ऑक्सीजन जाएगी तो ब्रेन डेथ भी हो सकती है, मतलब बेसिकली कैन किल। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज द वेस्कुलर इंडोथीलियम, जो मैं आपको बताया कि परमिएबल हो गई तो बात हमने कर ली। ठीक है, सिक्वेस्ट्रेशन हुई, शिफ्ट हुआ, तो उससे क्या होता है, स्टेजेस आते हैं। पहला है स्टेज ऑफ शॉक जिसमें सारा पानी निकल गया, एंड इट लास्ट फॉर 2 to 3 days आफ्टर द बर्न। वेजो एक्टिव फैक्टर्स जो हमने बात की, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज सारी आ रही हैं, और 2 to 3 दिन तक यही होता रहता है। 2 to 3 दिन के बाद क्या होता है, बॉडी अटेम्प्ट करती है अपने आप को नॉर्मल करने के लिए। नॉर्मल करने के लिए वो क्या करेगी, वो थर्ड स्पेस में से वापस इंट्रावेस्कुलर में फ्लूड ले जाना चाहेगी। ठीक है, होमियोस्टेसिस मेंटेन, हीमोस्टेसिस नहीं, होमियो, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि स्किन का पार्ट टेम्परेचर कंट्रोल भी तो है ना, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी तो है ना, ये सारा लॉस हुआ हुआ स्किन जब जली हुई है। तो बॉडी अपनी होमियोस्टेसिस कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, पहले 2-3 दिन स्वेलिंग हुई, पानी बाहर निकला, सारा कुछ रेडनेस हुई, दर्द हुई, सारा कुछ हुआ सेकेंड, और ये 2-3 दिन तक जारी रहता है, उसके बाद स्टैग्नेंट फेज आता है, फिर बॉडी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती है, जिसमें से पानी वापस अब्जॉर्ब करते हैं इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में, जिसकी वजह से स्वेलिंग कम होना शुरू होती है, एरिथेमा कम होना शुरू होता है, आपकी सर्कुलेटरी शॉक बेहतर होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद थर्ड, और ये 1 to 2 हफ्ते तक लास्ट करता है। इसके बाद आ जाता है हीलिंग फेज विच लास्ट फॉर अप टू 6 months to 1 year, जिसमें क्या है, type 1 collagen, type 3 collagen में चेंज हो रहा होगा, आपका जो स्कार है वो मेच्योर हो रहा होगा, आपका फंक्शन नॉर्मलिटी की तरफ वापस आ रहा होगा, और इसलिए ये प्रोसेस ऑफ हीलिंग टेक्स अप टू अ ईयर। ठीक है, इसलिए जब पहले पेशेंट आपके पास आता है ना, तो अगर आप सड़क पे भी चल रहे हो या आप इमरजेंसी में भी बैठे हो, आपके पास पहला पेशेंट आया, आपने देख रहे हो एज अ डॉक्टर कि उसे आग लगी, उधर आग लगी हुई, एक पेशेंट जल रहा है, तो क्या करोगे,
फर्स्ट थिंग यू आर गोना डू इज, पेशेंट को सांस नहीं आ रहा, बेहोश पड़ा है, पेशेंट को जाके बचाना शुरू हो जाओगे, उसको मतलब सीपीआर करना शुरू हो जाओगे, उसको सांस देना शुरू हो जाओगे, आईवी लाइन लेना शुरू हो जाओगे, क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे, सबसे पहले आग से दूर करोगे। सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या है एक्यूट ट्रॉमा का? आर यू सेफ? आप खुद सेफ होगे तो आप पेशेंट को बचा सकोगे ना, आप खुद सेफ भी नहीं हो तो इधर दो पड़े होंगे एक ही बजाय जल रहे हैं, तो आर यू सेफ, इज द पेशेंट सेफ, इज द एनवायरमेंट सेफ? आग लगी हुई, आप आग में छलांग मार के, यू आर नॉट अ फायर फाइटर, यू कैन नॉट गो इन एंड सेव द पेशेंट, वो बाहर आएगा तो आप कुछ कर सकोगे ना। तो इसलिए सबसे पहले अगर इस तरह का कुछ हो तो सबसे आपने पहले देखना है कि आप सेफ हो, जो सामने पेशेंट है वो सेफ है, एनवायरमेंट सेफ है, 1 फुट दूर आगे साइड पर आग लगी हुई है तो वहां बैठ के तो आप पेशेंट को रिससिटेट नहीं करोगे ना। फर्स्ट यू विल ड्रैग द पेशेंट अवे टुवर्ड्स द सेफ्टी, कि जहां उसका नुकसान ना हो कुछ, ठीक है ना। उसके बाद आप सारा असेसमेंट वगैरह करोगे ना, बॉडी सरफेस एरिया करेंगे, जो मैंने कहा वॉलेस रूल ऑफ 9 से, डेप्थ का हम अंदाजा लगाएंगे ऑफ द बर्न का, ये जो हमने फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री पढ़ा है, और इसका वॉलेस रूल ऑफ 9 जो था ना, 9% की हम बात करते हैं, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम है ना वो है कि वो इट हेल्प्स कि हमने फ्लूइड कितना देना है पेशेंट को, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, रीनल फेलियर से बंदा जाता है, तो वो नॉट एट योर स्टेज, आगे जाके आता है, लेकिन उसका ये फायदा होता है। लेकिन आप सबसे पहले क्या करोगे, रिमेंबर आइस और कोल्ड वाटर से आप उसको सोक करोगे 10 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स तक, ठीक है ना, अगर 25% से कम है सरफेस एरिया। लेकिन ख्याल रखो कि हाइपोथर्मिया ना हो, लेकिन इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अगर पेशेंट इलेक्ट्रिक बर्न है ना, करंट लाग रहा है, तो ये देख लेना कि उसे ठंडा वाटर सोक करने से पहले कि उधर कोई करंट भी चल ना रहा हो। और दूसरा आपने ये देखना है कि केमिकल बर्न्स यानी एसिड और एल्कलीज जो है ना, सर्टेन केमिकल बर्न्स, उन पर आप पानी नहीं डालते हो, आप उसको और वर्सन कर देते हो। तो अगर वो अनलेसेंटल फायर फ्लेम बर्न टाइप की चीज़ नहीं है तो आप ये नहीं करते हो, ठीक है। और सबसे ज्यादा आप जो फर्स्ट क्लियर किया है, सांस, एयरवे बंद हुई, सांस आना बंद हुआ, पेशेंट उसी वक्त मर जाएगा। सर्कुलेशन तो थोड़ी देर कंपनसेट करेगी ना, आपको इतना टाइम देगी कि आप हॉस्पिटल पहुंच सको, 2 लार्ज बोर आईवी लाइंस लेके उसको फ्लूइड दो ताकि वो डिहाइड्रेशन में ना जाए, वो शॉक में ना जाए, उसका सर्कुलेटरी वॉल्यूम ठीक रहे। लेकिन इस केस में यह है कि सबसे पहले आपने देखना कि उसकी एयरवे, आपके लंग्स ठीक हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन लंग्स तक आपने ऑक्सीजन ही नहीं पहुंची तो क्या फायदा। और इसलिए बर्न पेशेंट्स को आप हाई सस्पेशन ऑफ इनहेलेशनल इंजरी रखते हुए एंड यू ट्राई टू शिफ्ट सच पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल एंड द परमानेंट केयर एज सून एज पॉसिबल। सॉरी गाइस, ओके। हर जो पेशेंट जला हुआ है ना उसको टेटनेस जरूर लगाना है, जिस तरह सड़क पे गिरने वाले हरे को लगाते हो, इट्स अ मस्ट, ठीक है। हर पेशेंट को आप यूजुअली जो है ना, बर्न पेशेंट आते ही अगर एक्यूटली पहले एक दो दिन में, पहले एक दिन में मरते हैं ना, पहले चंद घंटों के अंदर सबसे पहले वो इनहेलेशनल इंजरीज वगैरह से मरते हैं, और 5th-6th डे पे ज्यादा पेशेंट्स डाय, द वंस हु आर बर्नड दे डाय। क्यों? जिनका ज्यादा एक्सटेंसिव बर्न है, क्योंकि स्किन जो है ना एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी तो है ना अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड एक्सटर्नल कंटामिनेंट्स। तो 3rd-4th डे में, पहले हफ्ते में जब जाके ना 7th डे के करीब, जब भी, जब मैंने आपको बताया कि वो जो स्टेज आता है जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स जो है वो वापस इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, 3rd स्पेस से दोबारा इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड जाना शुरू होता है, तो तब वो अपने साथ इन्फेक्शन और इस तरह की चीज़ें भी ले जा सकता है। और सिस्टेमिक जो होता है सेप्टिसीमिया में, सेप्टिक शॉक में पेशेंट के जाने का चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आप उसको एंटी प्रोफिलेक्टिक एंटीबायोटिक्स शुरू करा देते हो, इन्फेक्शन होने का इंतजार नहीं करते, पहले से शुरू करा देते हो, और आप उसको खूब सारा फ्लूड देते हो ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो और वो शॉक में ना जाए। और डिहाइड्रेशन का कैसे पता चलेगा, मुझे सही पानी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं कम दे रहे हैं, ज्यादा दोगे तो उसके लंग्स वाइट हो जाएंगे, हार्ट पे ओवरलोड आएगा, दूसरी चीजें खराब हो जाएंगी, हार्ट पेशेंट है तो हार्ट फेलियर हो जाएगा। आप कम दे रहे हो तो उसकी हीलिंग वगैरह सारा कुछ आपका वो एडिक्वेट नहीं होगा। तो सबसे सिंगल बेस्ट इंडिकेटर कि आप उसको फ्लूइड्स ठीक दे रहे हो इज द यूरिन आउटपुट। बाकी चीजें भी हैं,
आंखें धसी हुई है नहीं धसी हुई है, स्किन कोल्ड क्लैमी है या नहीं है, स्किन पिंच होके खड़ी तो नहीं रह जाती जितना डिहाइड्रेटेड बहुत से लोगों में, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन लेट हो जाए तो पेशेंट ड्राउजी और डिसोरिएंटेड भी हो सकता है, कॉमाटोज भी हो सकता है। लेकिन मॉनिटरिंग के लिए एक सिंगल पैरामीटर अगर मैं आपसे कहूँ ना कि पेशेंट्स हाइड्रेशन स्टेटस चेक करने का, कि आपको एडिक्वेट फ्लूड दे रहे हो ना नहीं दे रहे हो, दैट इज ओनली योर यूरिन आउटपुट। यूरिनरी आउटपुट शुड बी 0.5 to 1 ml पर के जी पर आर, यानी एक घंटे में ना 0.5, अगर आप जहन में रखते हो ना 0.5 to 1, एक 70 kg में हम नॉर्मली बात करते हैं ना, तो आपको 35 to 40 से ऊपर होना चाहिए ml पर आर यूरिन आउटपुट। इसका मतलब है आप सही दे रहे हो, इससे कम आ रहा है इसका मतलब है आप फ्लूड कम दे रहे हो। अगर ये 35-40 के बजाय 200 आ रहा है तो इसका मतलब है कि थोड़ा ना फ्लूड कंट्रोल कर लो, सही है। और इसके साथ दूसरा हम बात करते हैं कि पेन बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग एनल्जीजिक देना ज़रूरी है, इसमें मॉर्फिन ज़्यादातर या मॉर्फिन बेस्ड डेरिवेटिव्स दिए जाते हैं, क्योंकि उनका एक और एडेड एडवांटेज भी होता है, एक तो ये कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पेन किलर्स। अगर हेड इंजरी नहीं है, पेशेंट ड्राउजी नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो आप मॉर्फिन बेस्ड मॉर्फिन डेरिवेटिव्स या मॉर्फिन ही देते हैं एज अ पेन किलर। इसका एक और फायदा भी होता है, ये पल्मोनरी एडिमा में लंग्स के अंदर जो हॉट गैसेस वगैरह जो पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि इंटरफेस बन जाता है बिटवीन योर एक्सचेंजिंग मेम्ब्रेन्स, तो उसमें भी ये हेल्प करता है, सही है। तो गाइज आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर सेकेंड ईयर। बाकी चीज़ें कि कौन सा फ्लूड कितना देना है, दैट वुड कम एट अ लेटेस्ट स्टेज, लेकिन फॉर योर क्लास आई थिंक द मेन थिंग इज कि आपको आना चाहिए कि बर्न है क्या, सिर्फ आग लगने को बर्न नहीं करते, अब आपको पता चल जाना चाहिए बन क्या है, कॉगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू, जिस चीज से मर्जी हो जाए, चाहे वो आग से हो चाहे किसी और से हो, ठीक है। बर्न क्या है, बर्न का सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, बर्न की डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और बर्न की मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट में जो बेसिक चीज है कि इमरजेंसी मैनेजमेंट में आपने क्या करना है और बाद में क्या करना है, बेसिक इमरजेंसी मैनेजमेंट के खतरे से बाहर करके जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना है, और उस उधर जाके आपने सबसे पहले उसको पेन रिलीफ देना है और फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है। ओके क्लास, आई होप यू मस्ट हैव टेकन सम टेक होम मैसेज आउट ऑफ इट, एंड डू रीड दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू विल बी एनकाउंटरिंग एज अ प्रैक्टिकल डॉक्टर इन द फ्यूचर टू कम। ओके, गुड लक क्लास, सी यू सून देन, एंड आई होप द कोरोना थिंग सेटल्स एंड यू कम बैक टू द हॉस्पिटल एंड गेट योर प्रॉपर एजुकेशन डन। ओके, बाय बाय जी, हो गया। ओके, एनी क्वेश्चंस के किस तरह पता चलेगा मुझे? यस, इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? यू कैन राइट इट टू मी ऑन द चैट and I can answer some questions. If there's any basic question or if there's any mystery to it, then you may ask the question. Achha, fluid kaun sa dete hain? Do teen tarah ke fluids hote hain. Blood doge, normal saline doge, ya plasma expander type ki cheezein doge. Sabse zyada hota hai ki aap fluids mein dete ho water and electrolytes. ठीक है, इसलिए नॉर्मल सलाइन आप ज्यादा देते हो, रिंगर लैक्टेट देते हो, जो कि इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट को इंक्रीज करे रादर देन द एक्स्ट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, आपने थर्ड स्पेस में तो नहीं आपको चाहिए ना। और दूसरे है कि ऐसे पेशेंट के आपने शुगर लेवल का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चन एनीवन? ओके,
Acha, any question, anybody, any question you want to ask? Oops. ये हम बात कर रहे थे द थिंग आई वाज टेलिंग यू अबाउट द एडिक्वेसी हाउ टू कि हम फ्लूइड हम दे रहे हैं तो हम सही दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं पेरिफेरल ब्लड प्रेशर जो है वो आपको इंडिकेटर देगा लेकिन ये सारे वो नहीं है जो एक सिंगल मोस्ट था वो मैंने आपको बताया दैट वाज यूरिन आउटपुट पहले आप देखो कि ब्लड प्रेशर उसका मेंटेन होना शुरू हो जाएगा जो कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पहले कम हुआ हुआ होगा क्योंकि आपका फ्लूइड लॉस फ्रॉम द इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट इनटू द थर्ड स्पेस हो रहा है डिहाइड्रेशन हो रहा है स्किन से भी आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हो रहा जो वाटर रिटेन होना था वो नहीं हो रहा तो इसलिए आपका अगर आप सही तरह रिहाइड्रेट उसको कर रहे हो तो उसका ब्लड प्रेशर बेहतर होना शुरू हो जाएगा हार्ट रेट उसका स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा जो हार्ट कंपनसेट कर रहा था कि जो उसने वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड और ऑक्सीजनेशन पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता उसका रेट कम हो जाएगा यूरिन आउटपुट बेस्ट इंडिकेटर हमें जैसे हमने पहले बात की अगर आपने सेंट्रल सीवीपी लाइन डाली है सेंट्रल लाइन तो आप डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हो वेज प्रेशर की कैपिलरी प्रेशर की लेकिन दिस इज एन इनवेसिव प्रोसीजर और शायद एक्यूटली इतनी जल्दी आप ना कर सको तो ठीक है अब जो है फ्लूइड कितना देना है आपने हमने ये तो बात कर ली कि नॉर्मल सलाइन हमने देना है इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में जो रहे क्योंकि हमने इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट को बिल्ड करना है राइट तो हमने फ्लूइड जो देना है ना उसके लिए पहले 24 घंटे में जो हमने फ्लूइड देना है उसके लिए पार्कलैंड फार्मूला है जिसमें वॉलेस रूल ऑफ 9 याद आता है ठीक है उसका क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ बर्न मल्टीप्लाई बाय वेट इन केजी 70 किलोग्राम का बंदा है ठीक है 10% बर्न है और इस 10% को यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लोगे तो जो आएगा ना वो आपने देना है फ्लूइड 24 घंटे के अंदर पहले 4 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ बर्न मल्टीप्लाई बाय वेट इन केजी बंदे का इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो जो फिगर आएगा फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 3 लीटर 3000 ml आ गया आपके पास जो कि 3 लीटर बन गया ठीक है ना तो अब ये 3 लीटर आपने 24 घंटे में देना है तो 3 लीटर 24 घंटे में कैसे देना है देना आपने रिंगर लाइट इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट और एनए ठीक हो गया तो इस 3 लीटर में से जो आपने पहला हाफ है यानी 1.5 लीटर वो आपने पहले 8 घंटे में दे देना है बाकी का आपका 1.5 लीटर रह गया वो आपने अगले 16 घंटे में देना है जो आपके पास कैलकुलेशन आई बाय द फॉर्मूला पार्कलैंड फॉर्मूला जिसमें था कि 4 मल्टीप्लाई बाय बॉडी सरफेस एरिया बर्नड परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय वेट इन केजी तो जो भी आपके पास फिगर आएगा ना उसका हाफ आपने फर्स्ट 8 आवर्स में देना है आईवी लाइन के थ्रू और बाकी का जो हाफ है वो नेक्स्ट 16 आवर्स में देना है जिससे आपका 24 आवर्स का फ्लूइड कैलकुलेशन आ जाएगी और दूसरा आपने पेशेंट को यूरिनरी कैथेटर डाला होता है बर्न पेशेंट में इसीलिए डाला होता है कि आपने उसकी यूरिन आउटपुट देखनी होती है और वही आप 0.5 to 1 cc पर केजी पर आर का एम कर रहे होते हो तो अगर 80 kg का बंदा है तो आपका 1 घंटे के अंदर आना चाहिए 40 कम से कम ठीक है ना 40 cc आना चाहिए 0.5 के हिसाब से तो अगर इससे कम आ रहा है तो इसका मतलब है आप अंडर हाइड्रेट कर रहे हो अगर 1 से भी ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है आप ओवर हाइड्रेट पेशेंट को कर रहे हो और ये दोनों चीजें दे आर नॉट कंसिडर्ड गुड इन द मैनेजमेंट क्योंकि हमने बात की थी ना कि ग्रे जोन कि जब पेशेंट जला है तो सेंटर में तो आपको पता है कि वो एक तो बर्नड जोन है ना वो तो बच ही नहीं सकता टिश्यू एक साइडों पे नॉर्मल टिश्यू है लेकिन जो उसके दरमियान में ग्रे जोन है जो कि लग भी रहे बच जाए लग भी रहे ना भी बचे तो अगर हम ये प्रॉपर रिहाइड्रेशन ऑफ दैट ऑफ द पेशेंट कर रहे हो तो दिस इज अ थिंग विच कैन रियली हेल्प द पेशेंट और के वो जो एरिया जो मर जाना था उसको सॉल्वेज किया जा सकता है ताकि आप एक्सटेंट ऑफ बर्न को पहले से आप कम कर दें ठीक है सो वी हैव डन अनदर थिंग नाउ आई गेस इट्स टाइम एंड वील बी सीइंग यू नेक्स्ट वीक इट विल बी सम
some other worthy teacher deliver lecture, and till then study hard and enjoy yourself, be safe. Okay, bye.